नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। क्या ईश्वर सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी क्या होता है? सर्वव्यापकता क्या होती है? कई बार आपने ये शब्द सुना होगा कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, वो इस धरा के, इस ब्रह्मांड के हर एक कण में है। अलग अलग धर्म की अलग अलग डेफिनेशंस हैं परमात्मा को लेके। आज का विषय है कि सर्वव्यापकता होती क्या है, सर्वव्यापी क्या होता है। क्या मैं भी सर्वव्यापी हो सकता हूँ? क्या आप भी सर्वव्यापी हो सकते हैं? बड़ा गूढ़ प्रश्न है ये। और ईश्वर की महत्ता को डिफाइन करता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और जानने को मिलेगी, जो मैं आपके दिमाग में एक प्रश्न पैदा करना चाहता हूँ। इस सर्वव्यापकता के माध्यम से कि कुछ लोग खुद को भगवान कहते हैं, कुछ लोग वो संत श्रेणी के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हालांकि मैं उनके अंगेश नहीं हूं। लेकिन एक प्रश्न आप अपने दिमाग में रखिए, इस वीडियो के अंत में आपको खुद को उस प्रश्न का उत्तर देना है। वो प्रश्न है कि क्या कोई इंसान भगवान हो सकता है इस सर्वव्यापकता के माध्यम से? हाँ या ना में आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर लिख सकते हो कि हाँ, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है। सर भगवान की एक प्रॉपर्टी है, ईश्वर की एक प्रॉपर्टी है सर्वव्यापकता, यानी कि हर जगह हर वक्त विद्यमान होना। प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति हर वक्त हर जगह विद्यमान हो सकता है? यहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा सर्वव्यापकता का। मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने घर पे था, सर्दी का मौसम है, घर से चला यहाँ पहुँचा, अच्छी धूप खिली हुई। अभी मैं जो है अपने घर पे नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ। और मेरे घर पे मेरे जो घर वाले जन है वो वहीं पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। ईश्वर वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि वहाँ पे हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है और हर व्यक्ति को जिंदा की हुई जो भी शक्ति है उसको हम ईश्वर बोल रहे हैं। नाम उसका कोई भी ले सकते हैं। वो वहाँ पे भी है और वो यहाँ पे भी है, क्योंकि वो मुझे जिंदा बनाए हुए। ईश्वर आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे भी है। ईश्वर अमेरिका में भी है, ईश्वर अंतरिक्ष में भी है। अब आप कहेंगे कि अंतरिक्ष में अगर चले जाओ तो ऑक्सीजन नहीं होती, व्यक्ति मर जाएगा। ऑक्सीजन सबसे पहली बड़ी बात है कि केवल ऑक्सीजन के कारण हम जिंदा नहीं हैं। अगर ऑक्सीजन के कारण हम जिंदा होते तो कभी किसी की मृत्यु होती ही ना। ऑक्सीजन हर घर में उपलब्ध होती और कोई भी ना मरता। खैर, ये आज का विषय नहीं। आज का विषय है कि सर्वव्यापकता क्या होती है, क्या ईश्वर सर्वव्यापक है। जो भी शक्ति जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं, वो अगर हर जगह विद्यमान है, हर जगह वो अपने संसार को बनाए हुए है, तो इसका मतलब वो सर्वव्यापी है। और कोई इंसान, कोई भी इंसान, यहाँ पे आप कुछ साधुओं का एग्जांपल आप देंगे जरूर, मेरे पास भी है, ख़ासतौर पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जो द्विशरीरी साधु का जिक्र है, वो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे हैं, वेदांत और पुराण वगैरह सारी किताबें मैंने पढ़ी और धर्मों की भी पढ़ी। कुछ लोगों ने, कुछ साधुओं ने इस तरह का प्रदर्शन इस धरा पे अवश्य किया है कि वो एक समय में दो जगह विद्यमान रहे, लेकिन वो एक समय में दो या दस या पचास यानी कि दो से अधिक जगह पर विद्यमान नहीं रहे कभी भी। ईश्वर वो शक्ति है जो हर वक्त हमेशा बिना एक क्षण गवाए हर वक्त विद्यमान होती है, हर जगह।
मैंने बताया कि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे विद्यमान है, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे विद्यमान है। मेरा जो शुरू का क्वेश्चन जो मैंने आपके दिमाग में डाला वो ये है कि क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? कोई व्यक्ति हर जगह विद्यमान नहीं हो सकता, कोई भी शरीर। और भगवान भी जब इस मनुष्य शरीर में आए, जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, महात्मा बुद्ध के रूप में, वो अवतार हैं उनके। वो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार स्वयं के जो लौकिक रूप है उसको भगवान मानने के लिए नहीं कहा। आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उन्होंने ईश्वर को समझने के लिए रास्ता सुझाया कि आप ईश्वर का चिंतन करें और ईश्वर को समझने का प्रयास करें। तो कोई भी व्यक्ति के रूप में एक से अधिक जगह पर विद्यमान नहीं हो सकता। ईश्वर जो एक प्रिंसिपल है, जो एक शेप नहीं है, आकार नहीं है, निरंकार है, वो हर जगह इक्वली विद्यमान है। यही जो है सर्वव्यापकता का प्रिंसिपल है। इसी को बोलते हैं कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, और इंसान कभी भी जो है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। तो आप अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखिएगा। यह एक, इस चैनल पे जो भी कुछ होता है योगा माई लाइफ में, किसी का अगेंस्ट नहीं होता, एक तरीके के रिसर्च वर्क होता है। हम लोग अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च करते रहते हैं। ये भी एक रिसर्च का विषय है कि हम ईश्वर को किस तरीके से समझें, किस तरीके से उनको माने, किस तरीके से उनके साथ हमारा तालमेल रहे, ये समझना बेहद जरूरी है। हमारे नज़रिए से, योगा माई लाइफ के नज़रिए से, कोई भी व्यक्ति विशेष कभी भी भगवान नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति विशेष को भगवान नहीं कहा जा सकता। हाँ, भगवान सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और भी जो जन है उनके अंदर है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। और कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक जगह हो सकता है। कुछ द्विशरीरी साधु हुए हैं तो वो दो जगह ही हुए हैं, वो हर जगह नहीं हुए। आशा है कि आपको मेरी बात और उसका जो तात्पर्य है, उसका जो मतलब है, वो समझ आया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के इस रिसर्च वर्क में एक तरीके से भाग लेंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो। और हाँ, आप हमारे चैनल पे, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वर्क को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे, और नीचे थैंक्स गिविंग बटन है, वहाँ क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि कई तरह के रिसर्च वर्क हम चलाते रहते हैं, उसके लिए कई तरह की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आपकी सपोर्ट के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी आप और हमारे बीच का जो तालमेल है तभी डेवलप हो पाता है, कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करें, ये बेहद आवश्यक है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।